हेलो एवरीवन, न्यू वीक न्यू मार्केट साइकिल एंड बजट के पहले का हफ्ता एक्सपायरी हो गई है। मंथली वीकली सब हो गया। अभी बजट एक नया ट्रिगर ला सकता है मार्केट्स के लिए। एनीवे, दिस स्टॉक आइडिया इज़ नॉट फॉर बाइंग और सेलिंग, इट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन एंड इट्स फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पिडिलाइट में क्या करना चाहिए? देखिए, एशियन पेंट्स पे तो आई गेव माय पर्सपेक्टिव, माय पर्सनल ओपिनियन अगेन, बिकॉज मैं खुद अपने बारे में बता रहा था। पिडिलाइट में आई फील अभी इतना कोई, देर इज़ नो नेगेटिविटी एज सच लाइक एशियन पेंट्स की पिडिलाइट को बेच के उसमें से एग्जिट करना पड़े। सिंपली बिकॉज इसके कुछ 2-3 रीजंस है। पॉइंट नंबर 1, पेंट्स इज़ कमोडिटाइज नाउ, इट इज़ गेटिंग कमोडिटाइज विद टू मैनी प्लेयर्स। पिडिलाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी B2B और B2C, मतलब घरों में ही लगते हैं, डॉक्टर फिक्सिट, फेविकॉल। आप खुद सोचिए, इंडिया में अभी तक फेविकॉल का कोई नोन लिस्टेड कॉम्पिटिटर मेरे हिसाब से तो नहीं है। अडेसिव्स में अभी भी कोई बेटर प्लेयर नहीं है। एंड ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, तो सपोर्टिंग पिडिलाइट। सेकेंड पॉइंट इज़, इसमें गिरावट आती रहेगी बिकॉज ये क्रूड ऑयल के प्राइस के हिसाब से, जब क्रूड ऑयल कम होता है तो पिडिलाइट ऊपर जाता है, तो थोड़ा मार्केट डिपेंडेंट भी होता है। सो वो एक चैलेंज है। बट माय पॉइंट इज़, जो मैनेजमेंट है पिडिलाइट का वो ज़्यादा प्रोएक्टिव है। कैसे? पॉइंट टू बी नोटेड, बीच में उन्होंने एक न्यूज़ निकाली थी दैट दे विल फनल एंड फाइनेंस द वेंडर्स इन देयर चैनल, मतलब जो पिडिलाइट के छोटे वेंडर्स हैं उनको फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग ऑप्शन के बिजनेस में पिडिलाइट उतरने वाला है, बिकॉज द कंपनी हैज़ सो मच ऑफ फ्री कैश फ्लो कि उनके पास पैसे हैं, तो वो पैसे को डाइवर्सिफाई करके एक अलग बिजनेस में घुस रही है। ये बात कुछ 4-5 या 6 महीने पहले कुछ आया था ऐसा, एंड इट वॉज़ अ नोट फ्रॉम द कंपनी। सो दिस इज़ अ साइन दैट द कंपनी रियलाइजेज दैट मेरा कोर प्रोडक्ट जो है वो शायद एक पॉइंट पे आके सैचुरेट होगा, गिरेगा नहीं। फेविकॉल का सेल इंडिया में कैसे कम हो सकता है गाइस? फेविकॉल का कोई तोड़ भी नहीं है, तो वो गिरेगा नहीं। लेकिन कंपनी पहले ही उसको एनविसाज करके, उसको महसूस करके एक्सपांड करने का सोच रही। दिस इज़ अ सेकेंड पॉइंट इन फेवर। एंड थर्ड पॉइंट जो मुझे लगता है कि स्टॉक हमेशा पिडिलाइट के स्टॉक में ये साइकिल रही है। बाय द वे, इन द लास्ट 30 इयर्स पिडिलाइट हैज़ बीन वन ऑफ द टॉप मोस्ट गेनर्स इन द मार्केट अपार्ट फ्रॉम PI इंडस्ट्रीज। एशियन पेंट से ज़्यादा गेन एक्चुअली पिडिलाइट ने दिया है पिछले 30 साल में, ये फैक्ट है। लेकिन चर्चा में और लाइमलाइट में हमेशा रहा एशियन पेंट्स, और पिडिलाइट वो छोटा भाई होता है ना जो कभी लाइमलाइट में नहीं आता लेकिन ज़्यादा पैसे कमा लेता है, कभी कभी वैसा हो गया उसका केस। बट आई एम स्टिल पर्सनली नॉट साइनिंग ऑफ ऑन पिडिलाइट। आई एम नॉट, जिसको फाइनेंशियल टर्म में बोलते हैं ना, रिटर्न ऑफ नहीं कर रहा हूँ मैं पिडिलाइट को, राइट ऑफ नहीं कर रहा हूँ अभी, बिकॉज मुझे लगता है मैनेजमेंट देख रही है कि आगे जाके उनको इवेंचुअली फाइनेंसिंग के बिजनेस में ही आना है। नॉट बजाज फाइनेंस जैसा या जियो फाइनेंस जैसा, नहीं नहीं नहीं, अपने सेक्टर के छोटे वेंडर्स को लोन दे के उनको ऊपर उठाना। नाउ दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया विच आई फील पिडिलाइट कैन डू। सो मैनेजमेंट क्वालिटी बेटर, सेकेंड पॉइंट ये रीफाइनेंसिंग वाला, और थर्ड पॉइंट FIIs का भरोसा अभी भी पिडिलाइट से मेरे को लगता है उठा नहीं है और शायद उठेगा भी नहीं। एंड जो छोटे म्यूचुअल फंड्स हैं वो अभी तक उसको छोड़ नहीं रहे, दे आर नॉट डंपिंग पिडिलाइट, मैंने वो भी चेक किया था। हाँ, सम म्यूचुअल फंड्स हैव सोल्ड सर्टन क्वान्टिटी, हैवी क्वान्टिटी, लेकिन जो बेसिक लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, अगर आप उनकी होल्डिंग देखो उसमें है, काफ़ी हद तक है पिडिलाइट का अच्छा खासा भारी भरकम होल्डिंग है। पिछले 6 to 9 क्वार्टर्स से तो वो कम नहीं हुआ है। सो आई थिंक द म्यूचुअल फंड्स आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग फेथ इन पिडिलाइट। एंड दैट वॉज अबाउट दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। कीप प्रॉफिटिंग गाइज़।